बटर चिकन हमारा कितना बढ़िया बन के तैयार हो चुका है, और ये देखिए अंदर से गल भी चुका है बढ़िया से। तो अगर आपको मेरे बटर चिकन की रेसिपी पूरी देखनी है तो चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम 600 ग्राम करीब चिकन है ये मेरा, इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैं इसमें डाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, इसमें डालूंगी आधा चम्मच के करीब नमक, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर आधा चम्मच और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें तेल, और सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। इसको हम 15 मिनट मैरिनेट करके रख देंगे। इसको अच्छे से मसाले को हाथों से मसल के चिकन को, ताकि जो चिकन में जो है ना मसाला अच्छे से हो जाए, चिकन हमारा उतना ही बढ़िया बनेगा, एक टेस्ट भी लेकर के आएगा इसका। तो चिकन मेरा मैरिनेट हो चुका है, इसको हम 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैं मसाले ले रही हूँ, एक प्याज है, कुछ काजू है मेरे, और 4 टमाटर थे। प्याज थोड़ी मैंने बड़ी वाली ली थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तेल पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। चिकन को हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, इसमें मैं डाल रही हूँ 3 लाल मिर्ची, थोड़ा सा इनको हमें रोस्ट करना है मिर्ची को, ताकि जो धीमी सी खुशबू निकल जाए इसमें से। उसके बाद डाल रही हूँ मैं ये प्याज, प्याज मैंने मोटी मोटी काट रखी थी। उसके बाद डाल दूंगी मैं ये टमाटर और ये काजू भी। गैस को आप थोड़ा तेज कर दीजिएगा। तो साथ में मैं डाल दूंगी नमक, नमक आप हिसाब से डालना, क्योंकि चिकन में मैरिनेट करते में डाला था हमने, तो मिक्स कर लेते हैं इसको। इसमें मैं डाल दूंगी 1 गिलास पानी। तो टमाटर और प्याज को हमें पकाना है, जाके हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो बहुत बढ़िया पिस जाएगी। तो इसमें मैं डाल दिया 1 गिलास पानी। इसको मैं कर दूंगी कवर, जब तक ये उबाल नहीं आ जाता। इसको 3 से 4 मिनट पकाना है हमने, तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और टमाटर और प्याज हमारी पक चुकी है अच्छे से, तो गैस को कर देंगे हम बंद। इसको हम ठंडा होने देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसकी प्यूरी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर दूसरा पैन लिया है, उस पर फिर सरसों तेल डाल दिया मैंने थोड़ा सा, आप चाहे सरसों का तेल डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर फॉर्च्यून रिफाइंड डाला है, तो मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, ये चिकन के पीस हमें इनको थोड़ा थोड़ा भूनना है दोनों साइड से अच्छे से, जब तक इनमें थोड़ा सा कलर नहीं आ जाता गोल्डन। और गैस की फ्लेम आप तेज़ रखना। तो मेरे एक साइड से जो है थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, देखिए आप इस तरीके से। अब मैं दूसरी साइड से इनको चेंज कर रही हूँ, उस साइड से भी हमें अच्छे से थोड़े से गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं। तो यहाँ पर जो चिकन मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है अच्छे से, मैंने दोनों साइड से कर लिया था बढ़िया से, और पक भी चुका है ये। तो अब क्या करेंगे, जो हमारी जो ग्रेवी है वो ठंडी हो चुकी है, इसको हम पीस लेते हैं। इसकी ग्रेवी हमने तैयार कर ली है, आप चाहें तो इसको छान लेना, लेकिन मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं, 3 इलायची, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग।
तो मैंने फिर से एक कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया। फिर उसके बाद डालूंगी मैं मक्खन। अगर मैं पहले मक्खन डालती तो पहले जल जाता है मक्खन, इसलिए मैं पहले 2 चम्मच देसी घी डाल दिया था। इसको हम मेल्ट होने देते हैं। तो मक्खन जो है हमारा मेल्ट हो चुका है। इसमें हम जो खड़े मसाले डाल देंगे जो हमने रखे थे, इनको थोड़े से 2 से 3 सेकंड भूनना है हमने। उसके बाद डाल दिए हमने ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के। इसको अच्छे से चलाते हुए हमें, और गैस की फ्लेम आप मीडियम रखना। तो जो अदरक लहसुन हमारा हल्का सा भुन चुका है, तो मैंने इसमें डाल दी है कश्मीरी मिर्ची 1/2 चम्मच। इसमें ज़्यादा देखना कोई भी मसाले एक्स्ट्रा नहीं जाते मटर चिकन में। तो मिर्ची को भी अच्छे से हम भून लेते हैं। इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें जो हमने प्यूरी बना रखी थी टमाटर की और प्याज की। इसको अच्छे से हमने घुमा लेना और इसको 6 से 7 मिनट ग्रेवी को पका लेंगे हम, क्योंकि ग्रेवी में कच्चापन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ग्रेवी ही मेन होती है बटर चिकन की। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला। तो मैं इसको जो है ना 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमारी ग्रेवी को पकते पकते। तो अब मैं जो चिकन है इसको भी डाल दूंगी। और आप जिस तरीके से बटर चिकन ट्राई करके देखना, आप यकीन मानिए बहुत टेस्टी बना था ये बटर चिकन। तो चाहे तो आप थोड़ा सा पानी यहाँ पर डाल सकते हो अगर आपकी ग्रेवी थिक है। तो इसको हमने 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम पकाना है। और मैंने इसमें डाल दी है रोस्ट की हुई कस्तूरी मेथी। इसको हम 3 से 4 मिनट पका लेंगे। तो 3 से 4 मिनट हमारे इसको हो चुके हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। और काफ़ी अच्छे से उबाल आ चुका है और हमारी जो ग्रेवी है एकदम पक के जो है बढ़िया से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अमूल क्रीम। आपके पास अगर फ्रेश क्रीम है आप वो भी डाल सकते हैं। तो आप क्रीम जैसा मर्जी डालना चाहे उस तरीके से डाल देना। आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल देना, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। तो बटर चिकन हमारा जो है लगभग रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मेरी बटर चिकन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।